ऋषि कहते हैं राजन अथ मूर्ति रहस्यम, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल अंकुश पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंद्रा कमला लक्ष्मी श्री तथा रक्रामबुरुस जसाना आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रद्दति का नाम से जिन देवी का परिचय दिया है अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र नेत्र सिर के बाल तीखे नाक और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसीलिए वे रद्दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती है। देवी रद्दंतिका आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल हैं, बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड़ग पान पात्र मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवी रणनर्तिका आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े अत्यंत स्थूल हैं, बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड़ग पान पात्र मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रद्दंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रद्दंतिका देवी के शरीर का स्तवन करता है उसको वे दोनों देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रीतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवेणी से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर सब ओर से बराबर ऊंचे गोल स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं। रातों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शांत समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। या शाख समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा शुधा त्रिषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल पल्लव मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वही शाकंभरी शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा गौरी सती चंडी कालिका और पार्वती भी यही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति ध्यान जप पूजा और वंदन करता है वह शीर घी अन्न पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर भी नील ही है। उनकी दाढ़ी और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है, स्तन गोल गोल और स्थूल हैं। ये अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग डमरू मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा कालराती तथा कांदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुधर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग रंग भी अनेक रंग का है तथा वे
चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र वर्णा पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। देव मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए पूर्ण प्रतन करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सरस्वती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य सात जन्मों में उपार्जित ब्रह्मत्ता सदस्य घोर पात को एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रतन करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है।